जब बिलगेट पता है उसको कंप्यूटर रेवोल्यूशन आने वाला है अगर इधर चार साल स्पेंड करूंगा बीटेक पढ़ते हुए अब मैं चार साल बाद जाऊंगा तो ये इलेवेंट हो जाएगा आज बिजनेस में हम क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म विजन रखो शॉर्ट टर्म प्रस करो आज लोग क्या करें शॉर्ट टर्म विजन है लॉन्ग टर्म बोलते हैं चेंज कर लेंगे

Welcome Puneet. you so much. Yeah. Pleasure being here. Yeah. So, can you give me a small intro about yourself and tell what you do to our audience? I am the co-founder and CEO of a firm called The Synergy Syndicate. So, what we do is like simply if you can say we are an integrated private market players. Say incorporation to IPO, right? So that's where we position ourselves. Once the company go goes IPO, we do not, you know, we don't care about it because already the e ecosystem has been established, right? The infrastructure is there. So we try to, you know, focus our ways into the private markets. So up startup lay low, you know, you take growing businesses or even pre-IPO companies who would want to go into you know the IPO phase. So we help them in their fundraising or maybe in the preparation of their ipos as well okay. so you are the uh, ceo and yes. founding member and what about you Anand? Uh, similarly uh, i am one of the co founders and coo of the company uh, i take care more of operations client relation uh, sourcing of a deal yeah. so those are my uh, part in the company let's not talk about directly the investment part we'll try to understand about uh, the founders mindset and founders perspective so next third person if you go and ask aapko life mein?

अगर नहीं कर रहा हूं मैं क्यों नहीं करना चाहता इज इट बिकॉज आई एल्स जस्ट मुझे freedom के नाम पे कुछ मुझे अचीव करना नहीं उधर और आई रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग विच आई एम नॉट गेटिंग इंजीनियरिंग का बच्चा अगर बाहर निकल रहा है सो ही डजन टू गो टू दिसन टू फाइव रायर ही करेक्ट माइंड

first and foremost you need to have a very different mindset if you want to become an entrepreneur and on top of that what i would like to add here is ki let's say 9 to 5 underrated overrated whatever we are talking about it right we have to understand that ek company mein specific roles sabke hote hain right agar main ek football team ko dekhu तो कोई defender होगा कोई मिडफील्ड होगा कोई striker होगा अब सब कोई strike करने जाएगा ball पीछे आ गया डिफेंड कौन करेगा? अगर किसी को गोलकी नहीं बन रहा है right.

I'll just try to give you an analogy of things, right? So three variables देखना चाहिए। एक हो गया आपका founder हो गया एक आपका किस market या फिर किस industry में काम कर रहे हैं सेकेंड इकोनॉमी कौन से economy में काम कर रहे हैं right? Economy is like a road, जो industry है वो गाड़ी है और जो team है वो गाड़ी चलाने वाला है right? तो खराब रोड होता है ना तो अच्छा ड्राइवर उसको मीडियम करके ले जाएगा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा सो इकोनॉमी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज मैं ग्रोइंग इकोनॉमी में हूं या फिर आज आप सोचो मैं एक कंज्यूमर ब्रांड बनाना चाहता हूं बट हम लोग रिसेशन में कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा है राइट right? उस उस पर्टिकुलर आइटम को कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है नो ट्रेंड नहीं है सो दैट्स नॉट द बेस्ट इकोनॉमिक टाइम टू कम अप विद अपल्यूशन तो भले ही अगर यू नो एंड उसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी मीडियम है, medium है। राइट right? और चलाने वाला आप गाड़ी के ऊपर फोकस करते हैं राइट सो गाड़ी आप मारुति ले लो या फिर यू uh, नो you know, एक स्विफ्ट ले लो uh, मारुति सुजुकी 800 और स्विफ्ट ले लो ज्यादा पावर वाइज 30 40 का डिफरेंस होगा बट जो अच्छा ड्राइवर है वो मारुति 800 में भी जीत सकता right. है इकोनॉमी नंबर वन है सेकंड फाउंडर क्या है बिकॉज फाउंडर ऑलवेज वो इंडस्ट्री फिगर आउट कर ही लेता है ओनली थिंग वी हैव टू सी कीज एमिंग फॉर अ फॉरवर्ड इंडस्ट्री जिसको हम लोग सनराइज बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में सो अकॉर्डिंग टू यू आप फाउंडर पे ज्यादा इकोनॉमी पे नंबर वन बैठ लूंगा राइट सेकंड फाउंडर पे बैठ लूंगा क्योंकि समझने की बात है कि सेम प्रॉब्लम के लिए सेम सोल्यूशन भी हो सकता है बहुत लोगों का सोल्यूशन हो सकता है राइट बट इफ यू आर सोल्विंग इट वाई विल यू बी देश पर्सन टू सोल्व इट नो एंड फॉर दैट मोस्ट ऑफ द टाइम हैविंग एन एंटरप्राइजिंग बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट तो वो बहुत लोग देखते हैं अगर आप इन्वेस्टर में देखोगे तो आज हम क्यों ट्रेंड देखते हैं कि आई से होना चाहिए आई से होना चाहिए या फिर यू नो ऑलरेडी एंटरप्राइज बना के रखने का होना चाहिए राइट ऑन टॉप ऑफ दिस सेम क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रेड तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि वॉट आर द रेड इन स्टार्टअप फाउंडर आर द ग्रीन फ्लैक्स इन स्टार्टअप फाउंडर विच यू सी फॉर सो आई फॉरिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट एंड एज वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग की फेलियर को आप हटा दो

और अगर uh, उनको आंसर नहीं पता है तो वो डाउटफुल नहीं रहेगा अगर मेरे को नहीं पता छोड़ो रहने दो ही विल इंट्रोस्पेक्ट उसको वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा उसको पता है कि मेरे को नहीं पता है, या आई नीड टू गो बैक एंड फाइंड आउट अ आउट्यूशन फॉर दिस एंड देन आंसर टू माई ऑडियंस सो वो कन्विक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसको नहीं पता है तो ही विल विल फाइंड आउट अ अ वे टू नो एज ए इन्वेस्टर हाउ कम इन मोटिवेट मोटिवेट मी दैट सिचुएशन इफ आई आई एम स्टक यू इट स्टे फॉर बट इफ आई मेक यू रियलाइज दैट इसमें कुछ टेंशन की बात ही नहीं है

So, we will start. So, who is an angel? I'll tell you about angel. Let Pulki tell about VC. He's more uh, knowledgeable in this field yeah. than me. Angel would be anyone who has money with them and can give money to a founder. Either, either angel is your friend, family, or a fool guy. Right? Investment on FFF. Right? You can raise funds from your three Fs, one. friend, family, and fool. Anyone who is giving you small amount of money, that becomes an angel. Okay. Keeping it very short and simple. What is ticket size? What is the check size? Can be fifty thousand rupees also. If you want to start something, if you are like, I just want an iPhone. I'll uh, go do a social media, start an Instagram page, take photos. You have some very very good niche. can okay, I'm only only do product photography for black color shirts or any any very good niche. Yeah. You can you can start off with minimum as fifty thousand rupee also, right? Angel is anyone who is willing to give you money. Okay, and.

how uh, of stamp paper mein agreement bana sakte ho I, i think lawyers and ca's are the, and C are the best person to answer it right and, and once you start uh, you look for opening a business ca and corporate lawyers at least apply oh log dekh rahe this is change if action. i go to ca wo yeah. maximum yeah. handle kar yeah, lega today i think there are you know multiple options right uh, mm. some of the firms called wakeel search for example like hmm. प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत कम कॉस्ट में उन लोग क्यूरेट करके दे रहे हैं mm. सो so, no, service wise tech टेक के इंट्रोडक्शन से आई थिंक कॉस्ट भी काफ़ी कम right.

हम तीन दोस्त है जो खुद का एंजल इन्वेस्टमेंट खुद अकेले अपने इंडिविजुअली करते हैं ठीक right? है है, you know, so देखेंगे तो हम तीनों साथ में देखेंगे और मिलके लगाएंगे so वो इंटरनल मनी है हम तीनों का वो एक सिंडिकेट बन गया सो दैट इज कॉल्ड एंजल सिंडिकेट का मीनिंग है कि मिलकर आपने डील टू डील आपने पैसा लगाया okay. तो उसमें से मैं कभी मैनेजर हो सकता हूँ कि आप आ, सोचो

ट को अगर हम लोग एक्सटर्नल में ले जाए और एक्सटर्नल पैसा हम लोग लेके ले आ रहे हैं बट इसमें इस क्या हो गया आपका एग्जाम्पल like मल्टीपल right? अब, अब लोगों की जरूरत नहीं है आपको या फिर आपको इवन केस टू केस की जरूरत नहीं है अब मैं आपका एक चेक साइनिंग अथॉरिटी हो गया हूँ सिर्फ चक्कर अब मैं ही हूँ जो आपका फंड मैनेज कर रहा हूँ राइट right. right? सो नाउ इट बिकम्स वीसी वेंचर कैपिटल जो होता है मोर ऑफ फंड मैनेजर होता है तो ये फंड्स आते हैं कहाँ से money it is? ये पैसे आते हैं इंस्टीट्यूट से राइट सो व्हाट आर दिज इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम लो लोग ग्लोबल वीसी की बात करें यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड हो गया ऑक्सफर्ड हो गया स्टैंडफोर्ड हो गया राइट दे आर नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेपर राइट बट दे हैव टू मेंटेन दे स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आगे जाके इनोवेशन आ रहे हैं उन लोगों को उसका टेक केयर करना होता है राइट right? नाउ वट डू दे डू क्योंकि उन लोग पैसे ऐसे, ऐसे तो कमा नहीं रहे उस लेवल पे तो उन लोग क्या करते हैं वो जो सेव मनी है जो उनके यू नो you know, ट्रस्ट पे रखा हुआ है वो उस मनी को डायरेक्ट करते हैं वी को और बोलते हैं एटलीस्ट हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा आप पैसे कमा के दे दो ताकि दिस कैपिटल कैन भी सस्टेन्ड ओवर मे बी फिफ्टी हंड्रेड ईयर्स

और मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं आई हैव अ सेविंग्स ऑफ 5 लाख रुपीस और मैं बोलता हूं कि टेक दिस फंड एंड इन्वेस्ट इनटू सम स्टार्टअप्स कैन आई डू दैट तो अगर हम लोग फंड में वीसी को देखेंगे तो दैट फॉल्स अंडर एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है तो उसमें आपका मिनिमम 1 सीआर का इन्वेस्टमेंट होता है 1 सीआर यस सो इफ यू वांट टू इनडायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द वीसी एंड देन द वीसी इन्वेस्ट इनटू द स्टार्टअप्स तो 1 सीआर मिनिमम आपको देना पड़ता है कमिटमेंट लाइक देयर इज नथिंग बिलो बिलो 1 लाख इज नॉट 1 1 सीआर इज बिलो 1 So, can you help our audience understand what is the spectrum of this funding stages? Number one, the main variable is the stage itself, right? So, broadly talking about, it, it is early stage, growth stage, late stage. Okay. अब बहुत आसानी samjhenge to early stage mein angel aa jata hai हाँ. Growth stage में VC आ जाता है, growth और expansion में. Late stage में private equity आ जाता है. Okay. Right? And there is no typical ticket size जो होना चाहिए, right? सब differ करता है. तो आप देखोगे कभी-कभी, you know. अगर मुझे हंड्रेड मिलियन डॉलर भी उठाना है शायद मैं वीसी से उठा रहा हूं क्योंकि मेरा अभी भी रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रोथ पे है सो so ग्रोथ पे ज़्यादातर वीसी रहते हैं जब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप मूव करने लगते हो कि आपका ग्रोथ हो गया है यू आर स्टेबल प्रॉफिट आ रहा है राइट कैश फ्लोज आ रहा है बिजनेस में तब ज़्यादातर प्राइवेट इक्विटी इंटरेस्ट होते हैं प्राइवेट इक्विटी इज़ एन इंस्टीट्यूट ओनली आप वीसी की तरह ही मान लो उसको

रेवेन्यू मल्टीप्लायर इज वन ऑफ द मेजर वेरिएबल कि अगर आपका रेवेन्यू एक्स है और आपका इंडस्ट्री वाई है तो उसके बेसिस में आपको कितना वैल्यूएशन मिलेगा सो okay. so, आपने जितना रेवेन्यू बनाया उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन मिलेगा तो एट टाइम वट हैज टू गेट अ पर्टिकुलर वैल्यूएशन एज प्लान तो उसके हिसाब से इक्विटी भी वैसे ही डाइल्यूट होता है राइट right? सो so, अगर उसके हिसाब से अगर मुझे सोचना है कि इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे आई वीसीज इज सीरीज ए टिपिकली राइट तो मैं उधर प्री सीरीज का एक ब्रिज राउंड कर लूंगा सीरीज़ ए होते ही एक्सपेंशन हो okay. right? okay. फेज है।, okay. है और स्टेबल हो गया अब रीजनल में लीडर हो गया या फिर मैं नेशनल लीडर हो गया okay. अब मुझे प्रॉफिट के तरफ एम करना है राइट right? या फिर मुझे अब कंपनीज एक्वायर करने हैं अपने अंदर तब मेरा इंटरेस्ट आ जाता है पी पी वाले मेरे पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं okay. तो स्टेज वाइज यू कैन से सीरीज जी एच में आपका private equity firms on it. can you name of the uh, some of the startups who are into at lenscart i think uh, FK FK Baad. Bar. Or zepto I mean, recently raised funds again right but what series they have raised ha, zepto is also I mean, late it is same like zepto acquiring blinkit yes. Yeah, yes 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 yeah, I, I would like to add one more point see um, in 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 this world, money is available. People will give you money if you have good business you're running into, right? But more than money, these companies and founders they're looking for good connects. If they're taking money from a VC, then that VC can give them very good connects or leverage their business. The money is not the only important thing, right? They want business to grow. So it depends on connect they Based on that, also they end up taking investments from who they want to take. So Joe VCs hai, they go for a passive investment or a active investment.

मैं सबको टाइम नहीं दूंगा मैं स्टार्टिंग के तीन चार जो मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस है ना मैं समझ लूंगा कि आगे जाके सबसे सो ऑफ 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 दैट आउट आउट नाउ आई एम हिटिंग बट जब मैं प्राइवेट इक्विटी में घुस जाता हूँ वही चीज फाइव टू सिक्स आउट ऑफ टेन हो जाता है क्योंकि लेट स्टेज बिजनेस है उसने ऑलरेडी दिखाया है कि मैं अगर सात आठ साल चल सकता हूं तो मेरा रिस्क भी कम हो गया दो रिटर्न एंड रिस्क का हम लोग को वो सेगमेंट समझना पड़ेगा विच इज अनदर कॉन्वर्सेशन बट टिपिकली टॉकिंग अबाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन सबसे एक्टिव आई थिंक प्राइवेट इक्विटी होता है okay.

according to the investor point of view right so uh, while understanding about ai something we have to understand is koi koi companies jo hote hain wo direct ai companies hi hoti right ki usi ke upar scaling ho rahi hai coding usi ke upar ho rahi hai and you know that is what is creating that automation of things yeah. और दूसरे companies क्या होते हैं जो ai enable करके खुद के businesses yeah. yeah. को yes starting. right so हमें वो समझना चाहिए when we are saying कि we are ai based startup या hame AI को सॉल्व करना है इज इट आउट ऑफ ऑटोमेशन दैट आई वॉन्ट टू सॉल्व इट कि ऑटोमेशन लगाना है बस मुझे ताकि मेरा मे बी ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाए राइट right? या फिर मुझे कुछ ऐसा डेवलप करना है जो दूसरे लोग यूज करके उसमें स्केल पाए अराउंड नो अराउंड 1999 तक जब तक डॉट कॉम बूम था अमेरिका में एंड you know, प्लान right? so well. है, yeah. है की uh, कैसे आप डेवलप आप कैसे करोगे बोलते वो तो सी टी ओ हायर करने के बाद पता है <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Right? So उस से बचना काफी इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम ए आई विच आर सेक्टर इंटरेस्ट

Just thank you so much